Hey guys, it's me Adit Kundra from Adit's Guitar Lessons. अभी कुछ दिन पहले मैंने जो एक रीसेंट मूवी है तूफान, उसका एक सॉन्ग है अनन्या, उसका एक इंस्ट्रूमेंटल कवर डाला था। And उस पर मुझे काफी लोगों के रिक्वेस्ट आए थे to make a lesson. So this video is going to be a lesson for that instrumental cover. Song Ananya. But before we get into the lesson, मैं आपको quickly बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे गिटार सीखना चाहते हैं या म्यूजिक थ्योरी सीखना चाहते हैं, then do consider joining my own music school, जिसका नाम है Music Ed Academy. उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. And उसमें बहुत ही एक रीजनेबल मंथली सब्सक्रिप्शन फी है. And अगर आप मेंबर बनते हैं तो you will get access to a lot of benefits. आपको हर महीने दो मास्टर क्लासेस मिलेंगी, आपको मेरे साथ दो लाइव वीडियो क्लासेस मिलेंगी, आपको मेरा स्टेज वन कोर्स मिलेगा, प्लस मेरे जितने भी म्यूजिक एग्जामिनेशन जो ग्रेड एग्जामिनेशन के जो कोर्सेज हैं उन सब का आपको एक्सेस मिलेगा. यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू माई मंथली पॉडकास्ट जो वीडियो पॉडकास्ट है. सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स. तो एंड इट कम्स विद अ वेरी रीजनेबल मंथली फी. सो डू कंसिडर जॉइनिंग दैट म्यूजिक एजुकेडमी. उसका लिंक अगेन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, सो जो लेसन है अनन्या का, इसमें मैं बेसिकली आपको पहले सारे के सारे कॉर्ड्स बताऊंगा. आई विल ऑल्सो टेल यू कि मैं इसमें जो फिंगर पिकिंग कर रहा हूँ उसका पैटर्न क्या है. एंड देन फाइनली हम जो इस गाने के जो टैब्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो टैब्स उसको किस तरह से प्ले करना है. ओके, सो कमिंग टू द कॉर्ड्स, जो सॉन्ग है ये ई मेजर के स्केल पे है. सो आपके जो भी कॉर्ड्स हैं वो सारे ई मेजर के कॉर्ड्स ही हैं. देयर आर टू बोरोड कॉर्ड्स जो यूज हुई हैं, आई विल कम टू दोस लेटर. बट द इंट्रो गोस समथिंग लाइक दिस. तो इंट्रो जो है वो इंट्रो एंड काफी देर तक जो वर्स भी है वो ई मेजर, एफ शार्प माइनर, ए मेजर एंड ई मेजर पे है. ठीक है, तो आपको ये ही प्ले करते रहना है इंट्रो में भी वर्स में भी काफी देर तक. एंड जो इसका पिकिंग पैटर्न है, पिकिंग पैटर्न इज सो स्ट्रिंग नंबर 6 5 4 देन 2 3. एंड देन एफ शार्प माइनर, सेम स्ट्रिंग्स, same picking pattern. And then A major pe hum obviously bass notes se start karenge, which is the fifth string ka open string. So it'll be 5 4 3 2 3 and back to E major. पैटर्न चलता रहेगा एंड चलता रहता है. एंड देन उसके बाद एक पार्ट आता है ठीक है. तो ये वही हमारा ई मेजर एंड एफ शार्प माइनर का पार्ट था. एंड देन जो थ्री कॉर्ड्स हैं, दिस हैपन टू बी सी शार्प माइनर, एफ शार्प माइनर एंड ए मेजर. ठीक है, सो ये पार्ट तो हो गया. उसके बाद जो बीच में एक इंटरलूड आता है, इंटरलूड इज बेसिकली सी शार्प माइनर, ई मेजर, सी में सी शार्प माइनर, एफ शार्प माइनर, ए मेजर, ई मेजर. ठीक है, एंड सेकेंड टाइम एफ शार्प माइनर की जगह सीधे डायरेक्टली ए मेजर आता है. राइट, सो वंस अगेन सी शार्प माइनर, E major, C sharp minor, F sharp minor, A major, D major. Second time C sharp minor, E major, C sharp minor, and directly A major, E major. ठीक है, and उसके बाद जो next chords हैं वो हैं A and E पे. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
na 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 D major and back to So, ये दो कॉर्ड्स जो हैं G major and then D major, ये E major की key में नहीं आती हैं. So, ये हमने actually borrow करी हैं from the parallel key. So, हमारी जो E major की parallel key होती है, that's the E minor. And E minor में हमारी G major and D major आती हैं. ठीक है? So, ये G major and D major have been borrowed from the parallel minor key, which is E minor. Song E major पे है, तो उन्होंने E minor से borrow करी हैं. Okay, so and then it's back to E major, F sharp minor, A major, and E major. But वो वाला पार्ट याद रखिएगा. C sharp minor, F sharp minor, and A major. Okay, so ये तो हमारी chords होगी. अब हम आते हैं जो tabs हैं, tabs पे. तो tabs जो हैं, tabs में आपको बता दूं कि मैं भी आपको जो उसका intro है एंड नो सॉरी जो वर्स है और जो कोरस है उसके टैब्स बता दूंगा. जो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के जो टैब्स होंगे मेरी वेबसाइट जो है aditya-lessons.com उसमें आपको रिटन टैब्स मिल जाएंगे. सो यू कैन चेक दोस आउट देयर. ठीक है? तो अभी मैं आपको वर्स एंड कोरस एंड बीच में जो थोड़े बहुत लिक्स आते हैं उनका बता दूंगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द टैब्स. सो इट स्टार्ट्स विद राइट. सो ये पार्ट है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट एंड देन फोर्थ से सिक्स पर स्लाइड किया एंड देन बैक टू फोर्थ. राइट एंड देन सेकंड स्ट्रिंग का सेवंथ फ्रेट से हम नाइन्थ पे स्लाइड करेंगे सेवन फाइव एंड देन बैक टू थर्ड स्ट्रिंग का फोर्थ टू सिक्स एंड बैक टू फोर्थ. ओके वंस अगेन राइट. सो ये पहला वाला पार्ट है. बाद में आता है अनन्या. राइट सो ये क्या है? सो वही सेम थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट देन फोर टू सिक्स स्लाइड And then हम स्लाइड करके टू पे लेके जाएंगे थर्ड स्ट्रिंग के. राइट एंड देन सेकंड पार्ट इज द सेम. सो ऑप्स या ओके. तो ये पार्ट चलता है. उसके बाद आता है ना 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 ना. हम सेकंड स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट को काफी बार प्ले कर रहे हैं. देन स्लाइड टू सेवंथ. एक बात याद रखिएगा कि जब भी ऐसे आपको वर्स ऐसे जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें अगर आपको टैब से प्ले करना है तो यूज अ लॉट ऑफ विब्राटो. ये जो होता है ना इसे काफी एक्सप्रेशन आता है. मतलब अगर मैं प्ले करूं नॉर्मल तरीके से विदाउट विब्राटो इट विल बी लाइक दिस. No, no. It doesn't really sound that nice. So, हमेशा ऐसे करो. तो थोड़ा सा स्ट्रिंग को ऐसे विब्राटो डालोगे तो it adds a lot more flavor. ठीक है? And then ठीक है? Again मैं विब्राटो ऐड कर रहा हूँ. तो ये वाला पार्ट है. सेकंड स्ट्रिंग का सेवेंथ टू नाइन्थ स्लाइड. सेवन फाइव फाइव दो तीन बारी. एंड देन थर्ड स्ट्रिंग का सिक्स फ्रेट टू फोर्थ फ्रेट स्लाइड बैक. सो
देखो मैं आपको हर नोट को कितनी बार प्ले करना है वो नहीं बताने वाला, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत अपना कान भी यूज करो. आई विल टेल यू द नोट्स दैट आर बीइंग प्लेड, कितनी बार प्ले करना है, जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन. ओके, सो yeah, and add lots of vibrato. ये चार बार बजता है. तो ये चार बार ही सेम ही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए जो थर्ड टाइम होता है, तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आई प्ले, मैं फोर्थ से फिफ्थ पे स्लाइड करता हूं. Again, just to keep things a little fresh. Same cheese. Right, so ye total char bari bajta hai. And then uske wala next part hai. Okay, so ye hai. So second string pe 5-7-9 and then 7-9 slide. Okay, 7-9 slide and then back to 7-9. 5-7-9, 7-9 slide. Then 7-9. Then second string 5th fret. Then first string ka 4-5 slide. 4-5 slide and then 4-5. Then four, five, and then 5-7 slide. 4-5 and 5-7 slide. Okay. 4-5-7 slide, and then 7 again. 5-4-2 slide. Then 2-0 pull off. And then 0, and third string ka 6-4. Okay, ye part main slowly play karta hu taki aapko samajh mein aa jaye. Okay, once again slowly. Right, and then back to oh ananya. ठीक है, oh ananya, ये same है जो हमने शुरू में किया था. And then अगले पढ़े हो तुमसे तुमसे तुम ही मेरी, जो भी है. So it's third string 4th, 6th, then 2nd string 5th, 7-9 slide. Tum hi, tum hi, tum hi, meri ananya. Okay, so 7-9 slide, 7, 5, and then 2 pe. Right? 7-9 slide. 7-7, 5-5, 2, 7-7-5, okay, so once again, okay, so main ab tak ka ek bari pura play kar deta hu aapko. Thank you.
चार बार आएगा. ओके मैं लास्ट टाइम प्ले कर रहा हूँ. राइट ना. And then उसमें बीच में जो लिक्स आते हैं वो ये थे. ये वाला जो है लिक्स जो है सारे के सारे जो है अपने रेगुलर जो ई मेजर का स्केल है उसी में है. तो ये है सेकेंड स्ट्रिंग का 9th to 10th. ये हैमर पुल ऑन है. पुल ऑफ है 9 to 10 हैमर हैमर ऑन एंड देन 10 to 9 पुल ऑफ. So it's 9 to 10, 10 to 9, and then 3rd string ka 11th fret, then 4th string ka 11th fret, then 3rd string ka 9th fret, 9 to 11th per slide. Right, so. And second time होता है na 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 na. Yeah, so this is basically same 9 to 10 hammer, then 10 to 9 pull off, then 3rd string 11 9, then 4th string 11 9, then 5th string cut 12th fret. Yeah. Na 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 na. So those are the tabs and बाकी जो song के tabs होंगे वो मैं अपनी जो website है उसमें डाल दूंगा जिसका बीच में interlude है na 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 na. ठीक है. So that's not really that important, लेकिन अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं वो भी play करना चाहते हैं then you can check out the tabs on my website aditsguitarlessons.com. Okay, so that was the song. बट बिफोर वी साइन ऑफ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे गिटार सीखना चाहते हैं या म्यूजिक थ्योरी सीखना चाहते हैं देन प्लीज डू कंसिडर जॉइनिंग माई अकेडमी जिसका नाम है म्यूजिक एकेडमी. इट्स गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट एंड जो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है क्या कुछ कॉन्टेंट मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा और जो कॉमेंट्स है उसमें भी आपको दिख जाएगा. कंसिडर गोइंग टू द वेबसाइट. आप वेबसाइट देखेंगे उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या कुछ आपको मिलेगा with a very very reasonable monthly fee. Okay, so on that note, this is Adit Kundra signing off. I'll see you guys in the next video. Take care.